दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूषण जुनेजा है और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्दी चाचा। आज दोस्तों सेहत से जुड़ी एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिससे लगभग आधी दुनिया ग्रसित है, या क्यों कहें होती जा रही है, वो है अस्थमा। अस्थमा का सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन। जो लोग अस्थमेटिक हैं वो अपने साथ अक्सर एक पफ कैरी करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता अस्थमा का अटैक कब आया। हल्की सी धूल आ गई, कहीं पोल्यूशन ज़्यादा मिल गया, चेंज ऑफ वेदर, और उनका सांस फूलने लगता है और वो पफ का यूज़ करते हैं। दोस्तों अस्थमा को ठीक करने के बड़े छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आप अस्थमा बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक कप आप दूध ले लें, उसमें 3 या 4 लौंग डाल लें और उसको आप अच्छे से उबाल लें। जब दूध अच्छे से उबल जाए, लगभग आप ये समझे कि पौना कप रह गया है, तो उस दूध को आप सिप सिप करके गुनगुना पी लें और लगातार 40 से 45 दिन पिए, आपका अस्थमा काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। दूसरा, सरसों का शुद्ध तेल लें, उसमें कपूर थोड़ा सा डाल लें। कपूर जो आप अक्सर घर में पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो कपूर उसमें तेल में डाल करके उस तेल को गर्म कर लें। जब कपूर पूरा उसके अंदर डाइल्यूट हो जाए, तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उस तेल को आप आँच से उतार लें और थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम होने दें। जब उसका टेम्परेचर कम हो जाए, उस तेल को आप अपनी छाती के पूरे हिस्से में, आगे वाले हिस्से में उस तेल की मालिश करें। उसके साथ साथ आपकी कमर का जो ऊपर का हिस्सा है, कमर के लोअर पोर्शन में, कमर के ऊपर के हिस्से में, उसको अच्छे से मालिश करें और तेल को इस तरह से मालिश करें कि आपके तेल हथेलियों में से तेल निकल जाए, यानी कि तेल पूरा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। एक और नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। एक कप पानी ले लें, एक कप पानी में 5 या 7 आप लौंग डाल लें और उसको अच्छे तरीके से उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं और वो गुनगुना पानी पी लें। गरम गरम ना पिए, थोड़ा गुनगुना करके उसको पी लें। इससे भी आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, लगभग 40 से 50 दिन अगर आप पिएंगे तो। दोस्तों एक नुस्खा मैं आपको और बता दूं, चुकंदर का रस निकाल लें लगभग 50 ग्राम और 10 से 12 पत्ते तुलसी के ले लें और उनको 1 चम्मच शहद के साथ डाल करके उसका ना एक पेस्ट बना लें। किसी छोटी सी बर्तन के अंदर, जो संगमरमर की एक बर्तन मिलता है, ओखली बोलते हैं इसको, उसमें उसको डाल करके 10 12 पत्ते तुलसी के आप अच्छे से मिला लें शहद में, और उस पेस्ट को आप 50 ग्राम जो आपने चुकंदर का रस निकाला है उसे मिलाकर सुबह शाम दिन में 2 बार पिए, तो 40 से 50 दिन में आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक नुस्खा और बताता हूँ, आप लगभग 20 ml अदरक का रस निकाल लें और 20 ml अनार का रस निकाल लें। इन दोनों रस में को मिलाकर के उसमें 2 चम्मच आप शहद मिला लें और सुबह शाम इसका सेवन करें। दोस्तों ये कुछ नुस्खे हैं, अगर आप ये अपनाते रहेंगे तो आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा और आप खुल के सांस ले सकेंगे और एक सुखद जिंदगी आप व्यतीत कर सकेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।